बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं। देखेगा, घबराना नहीं, देख चला अभी तुम, देख ले। दोस्तों, अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है। दोस्तों, मोदी जी ने यहाँ इतने एम्स बनवा दिए हैं कि सभी मरीजों के लिए अलग अलग स्पेशल कमरे हैं और विद्यार्थियों के लिए अलग अलग फ्लोर पर 56 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन ये आपको तभी नजर आएगा जब आप अंधभक्त की नजर से देखेंगे, क्योंकि झूठ पकड़ने वाली मशीन तो पूरी दुनिया के पास है, लेकिन झूठ बोलने वाली मशीन सिर्फ भारत के पास है। एक तरफ फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल की सजा का प्रस्ताव रखा गया है और एक तरफ मोदी जी ने फिर से झूठ बोल दिया। वैसे इतना झूठ तो चलेगा ही, क्योंकि ये संस्कारी पार्टी के संस्कारी लोग हैं। लेकिन ये भी हो सकता है उस दिन मोदी जी की ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, शायद इसलिए ऐसा बोला हो। अरे रुको जरा, जनगणना में तो घर घर जाकर गिनती की जाती है, लेकिन हमारे शेर का भक्त गणना का अपना तरीका है। कभी वो थाली बजवा कर गिन लेता है, कभी डीपी बदलवा कर गिन लेता है, इस बार सेल्फी खिंचवा कर गिन रहा है। चुपचाप घर में बैठ जाओ, वरना नेट भी बंद करवा दूंगा मैं। ऐसा मरूंगी द्वार में भिड़क जाकर सिद्ध राम जादा। बाबूजी आ गए। एक नई यूनिवर्सिटी बनवा सकते हैं, हर 2 दिन बाद एक स्कूल कॉलेज बनवा सकते हैं, तो फिर एम्स क्या चीज है? वो बात अलग है कि मोदी जी सिर्फ ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं और एम्स का उद्घाटन करते जल्दी नजर नहीं आते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि ये तमाशा बंद करो, 2 दिन में ये तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। आर्मी विल नॉट एबल टू सॉल्व एनीथिंग, आर्मी विल नॉट एबल टू सॉल्व एनीथिंग। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं मणिपुर में जो हिंसा फैली है वहाँ भारतीय सेना सिर्फ 2 दिन में शांति बहाल कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं सेना कुछ भी हल नहीं कर पाएगी। अब इनको कौन समझाए, अगर देश की सेना को 1 हफ्ते के लिए दे दिया जाए छूट, तो मणिपुर से दंगाई तो क्या शमशान छोड़कर भाग जाएंगे भूत। इनको लगता है भारतीय सेना भी सचिन की तरह लप्पू है, बस यही सब अनाप शनाप बातें सुनकर भारतीय जनता पार्टी को लोग भारत जलाओ पार्टी के नाम से संबोधित करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, शुक्र है मणिपुर की हिंसा के लिए इन्होंने मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं बताया, क्योंकि ये हर मुद्दे में घुसेड़ देते हैं हिंदू मुसलमान, चाहे टमाटर और सेब बिकने लगे दोनों एक समान। राजनीति में चल जाते हैं अक्सर खोटे सिक्के, ये मत पूछो काम में आते कहाँ पे कौन से तरीके। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, ये रस्सी को भी सांप बना देता है, राग को भी मंजन कहता है। देखो देखो भाई,